मैं आपको एक ही नंबर के जरिए से इन दोनों में कन्वर्जन करके दिखाऊंगा। एक ही नंबर लेंगे जो कि डेसिमल का होगा, उसको बाइनरी में करेंगे और उसी को वापस डेसिमल में करके देखेंगे क्या हमने सही कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम करेंगे डेसिमल से बाइनरी, इसका मेथड देख लें। इसका मेथड आपने याद रखना है, नंबर चाहे कोई भी हो, डेसिमल से बाइनरी। एक डेसिमल नंबर लेते हैं, अब डेसिमल नंबर क्या होता है, जीरो से लेके नाइन तक डेसिमल नंबर होता है, जीरो टू नाइन, जिसकी बेस होती है टेन। जीरो से नाइन तक जो नंबर है इनसे मुराद है दुनिया के सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब हंड्रेड है अगर, तो हंड्रेड में वन और जीरो 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 से नाइन के दरमियान नहीं आते ना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 98, इसकी मैं बेस लगा देता हूँ 10। बेस 10 लगाने से क्या पता लगा कि ये एक डेसिमल नंबर है। इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी नंबर में, जिसकी बेस होगी 2। लेकिन अभी मैं पता नहीं है कि वो बाइनरी नंबर क्या होगा, तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करना है, आपने आसान सा तरीका कार है, आपने जो डेसिमल नंबर है उसका एलसीएम ले लेना है 2 से, क्योंकि बाइनरी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाइनरी की बेस क्या है 2 है, तो हम 2 से एलसीएम ले लेंगे। जब भी ये एक मेरी तरफ से टिप याद रख लें कि जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं, डेसिमल से ऑक्टल में कर रहे हैं, किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल से, तो जिस नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी जो बेस है उस बेस से उस नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे इसका, सिंपल, हमने 98 हमने 2 से एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 यहां पे 9 लिखा हुआ है ना, 2 4 सा 8, तो 1 बच गया, 1 आगे 8 पे कैरी चला गया, 18 हो गया, 2 9 सा 18, पीछे कुछ भी नहीं बचा, 0 लगा देना आपने। उसके बाद 2 2 सा 4 और 2 4 सा 8, तो 4 सा 8 होता है, यहां पे 9 लिखा है, 1 बच गया, 1 आ गया, एज इट इज आपने लिख देना, जो बच जाएगा आगे लिख देना, अगर 0 बचा तो 0 लिख देना। फिर 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, यहां पे फिर 0 बचा, 2 6 सा 12, फिर 0 बच गया, 2 3 सा 6, फिर 0 बच गया, और फिर 2 1 सा 2 और फिर 1 बचा। अब आंसर आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है इस तरह से, तो आंसर क्या आएगा, 1 1 0 0 0 1 0, 1 1 0 0 0 1 0, और बेस इसकी लगा देंगे 2, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। तो अगर आप देखें गौर करें तो हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, बाइनरी में, बाइनरी नंबर में कर रहे थे ना, तो बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 और 1 होता है, तो देखिए 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट नहीं आया, यहाँ से पता लगता है कि हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, एक ये भी चीज़ होती है चेक करने के लिए, अगर इसमें कोई डिजिट आया तो समझ लें कि वहीं से हमारा आंसर गलत है। अब हमने करना है बाइनरी से दोबारा डेसिमल में, तरीका देखिएगा मेथड क्या है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। हम इसी नंबर को ले लेते हैं बाइनरी को और डेसिमल में करते हैं, देखते हैं वापस ये 98 आता है कि नहीं। ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, 1 1 0 0 0 1 0, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है और जिसमें हमने कन्वर्ट करना है उसकी बेस होती है जी 10। ठीक है, तो जब भी आपने बाइनरी से डेसिमल करना है तो बाइनरी के हर एक एक डिजिट को आपने अपनी उसकी बेस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 से। कैसे, 1 × 2, पहले 1 था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 × 2, प्लस 0 × 2, प्लस 0 × 2, दरमियान में प्लस लगाते जाना है और 2 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, 3 0 है तो 2 0 से कर लिया, फिर प्लस 0 × 2, प्लस 1 × 2, प्लस 0 × 2, तो ये हो गया 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0। ओके, तो राइट साइड से जितने भी 2 लिखे हुए हैं उनकी पावर 0 से लगाना शुरू करनी है, कुछ इस तरह से 0 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से पावर लगाना शुरू कर देनी आपने वहां से यहां तक जितनी बनती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 × 2, 2 रेज पावर 6 कितना होता है, 2 रेज पावर 6 कैसे पता लगेगा, इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने 6 दफा 2 को मल्टीप्लाई करना होता है। किस तरह से, इस तरह से 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, 6 दफा 2 को मल्टीप्लाई करना, वैसे आपको मैथ्स में आता होगा ये करना, लेकिन जिनको नहीं पता जिन स्टूडेंट्स को उनके लिए कर रहा हूँ, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32, को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 32 2 कितना हो गया 64, तो 2 रेज पावर 6 कितना हो गया 64, 64 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 64, तो इसकी जगह पे आ गया 64, प्लस 2 रेज पावर 5 अगर आप करें तो ये बनता है 32, तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 32, प्लस 2 रेज पावर 2 कितना होता है
टू रेस पावर फोर कितना होता है, 16 होता है, 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ये भी 2 रेस पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, प्लस 2 रेस पावर 2 कितना होता है 2 टू 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया ये भी 0 हो गया, जिसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो गया वो तो 0 ही हो गया, ठीक है। प्लस 2 रेस पावर 1 कितना होता है 2 ही होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, प्लस 2 रेस पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे वो करोड़ हो, अरब हो, 10 हो, 1 हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर 0 तो 1 होता है। ये मैं प्रूफ भी करवा देता हूँ आपको, वैसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बुक में प्रूफ नहीं लिखा हुआ, ये याद रखना है किसी नंबर की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया, 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वैसे 0 हो गया, ओके। अब 64 प्लस 32 इसको सॉल्व करना है हमें, 64 में अगर हम 32 प्लस करें तो ये बनता है 96, आप इसको करके देख रहे हैं ये 96 बनता है, प्लस ये 0 3 0 को प्लस किए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 0 गया, प्लस 2 आ गया, तो 96 में अगर हम 2 प्लस करें तो ये बनता है 98, जिसकी बेस 10 है क्योंकि हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो अगर आप देखें वापस वही नंबर आ गया जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी, तरीका यही रखना है, नंबर कोई भी हो, बुक में कोई और एग्जाम्पल।